अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है खुबानी की चटनी। बहुत आसान और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और यमी है। इसको आप दही भल्ले या फिर समोसे के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। तो इसको बनाना शुरू, ये मैंने 250 ग्राम खुबानी ली है। इसको मैंने एक घंटा पहले एक कप पानी में भिगो दिया था। देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब मुझे इसे ग्राइंड करना है, तो इस हैंड ब्लेंडर से मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। कितनी अच्छी सी एक पेस्ट बन गई है, बिल्कुल एक सॉफ्ट फॉर्म में आ गई है ये। अब इसको मैंने इस पैन में शिफ्ट करना है। अब इस पैन में मैं एक कप पानी डाल रही हूँ। अब इसके बाद ये सारे ये खुबानी का जो पेस्ट बना था ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। फ्लेम ऑन करके ये पैन ऊपर रख दी है। ये मैंने पहले एक कप पानी डाला था, तो मुझे अभी ये गाढ़ा सा लग रहा है, तो इसके अंदर मैं हाफ कप और पानी डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये 9 टेबलस्पून शुगर है वो मैं डाल रही हूँ अंदर। हाफ टी स्पून नमक है। वन एंड हाफ टी स्पून ये चिली फ्लेक्स हैं ये मैं डाल रही हूँ अंदर। और ये एक चुटकी अजवाइन है, 1 पिंच अजवाइन ये मैं डाल रही हूँ अंदर। बस हमें इससे ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने इसके अंदर, इसका जो अपना फ्लेवर है इसे हमने इन्हेंस करना है, तो इसी के अंदर अब हम इसे पकाएंगे। इस खुबानी का जो अपना खट्टा मीठा सा टेस्ट है वो इसके अंदर आएगा। इसको हमने एक उबाल आने तक पकाना है कि ये मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और चीनी अच्छी सी मिक्स हो जाए। देखें इसके अंदर उबाल आना शुरू हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा कलर देने के लिए ये 1/4 टीस्पून पैप्रिका पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पर आप इसकी नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर और ऐड कर लें, लेकिन ये मुझे अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक लग रही है। एक अच्छा सा उबाल आने तक मैं इसको इसी तरह चम्मच हिलाती रहूंगी कि इसकी चीनी भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें अच्छा सा उबाल आ गया, और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखें इतनी थिक है। अगर आप चाहते हैं कि आप इससे पतली हो तो आप थोड़ा सा इसके अंदर हाफ कप पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी चाहिए तो मैं ये अब फ्लेम बंद कर रही हूँ। ये देखिए मज़ेदार सी चटनी अब तैयार है। आपने देखा है इसको घर में बनाना कितना आसान है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। आप भी इसे घर में बनाइए और हमें बताइए कि आपकी ये चटनी किस तरह की बनी है। अल्लाह हाफिज़।